वो देखो वो रहे। फ्रैंक मेरे पीछे रोको उसे। कौन सॉरी फ्रैंक। कोई बात नहीं, मुक्का कड़क है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डाई हार्ट। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ टॉप 9 बेस्ट एक्शन मूवीज पार्ट 1। हमारी नंबर 9 पे है किंग्समैन। हमारे खास मेहमान रास्पुटिन। मैं किसी ऐसे को ढूंढ रहा हूँ जो मेरी मुलाकात जार से करवा दे, शायद तुम कुछ मदद कर सको। मेरा दिमाग तब चलता है जब मेरा पेट भरा हो और मन हरा भरा हो। चलो शुक्र है कि खाना लग चुका है। द किंग्समैन एक ब्रिटिश अमेरिकन स्पाई एक्शन फिल्म है जिसे डायरेक्ट की है मैथ्यू वोंग ने। ये फिल्म 3rd इंस्टॉलमेंट है ब्रिटिश किंग्समैन फिल्म सीरीज की, जो कि बेस है द सीक्रेट सर्विस कॉमिक बुक के ऊपर। ये फिल्म एक प्रीक्वल भी है किंग्समैन द सीक्रेट सर्विस 2014 एंड किंग्समैन गोल्डन सर्कल 2017 की। कहानी की बात करें तो ये फिल्म फोकस है सेवरल इवेंट्स ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 1 एंड द बर्थ ऑफ किंग्समैन ऑर्गेनाइजेशन पे। कई तमीज, तुझे मारने में बहुत मजा आएगा। हमारी नंबर 8 पे है पीटर रैबिट 2 द रन। आज हम इकट्ठा हुए हैं डी और थॉमस की शादी के लिए। तुम तो उससे नफरत करते थे। नहीं, अब हम लोग दोस्त हैं और वो अब पहले से बदल चुका है। उनका परिवार परिवार उनके पिता 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 तुम मेरे पिता नहीं हो सकते। पीटर पीटर वो रिंग। ओ हाँ सॉरी। पीटर रैबिट 2 द रनवे एक एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जिसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है विल ग्लव। ये फिल्म एक सीक्वल है पीटर रैबिट 2018 की, जिसे प्रोड्यूस की है सोनी पिक्चर एनिमेशन ने। ये फिल्म रिलीज होने वाली थी फरवरी 2020 में, पर कोविड-19 की वजह से ये फिल्म रिलीज हुई ऑस्ट्रेलिया में मार्च 2021 में। भाई लोग जिंदगी एक ही बार मिलती है, जी लो इसे। अरे नहीं तुम वहां से निकलो। मैं ये कर सकता हूँ। मेरी स्पीड अब बढ़ने लगी है, मेरी स्पीड अब बढ़ने लगी है। इसलिए बड़ों को छोटे बच्चों की चीजें नहीं करनी चाहिए। हमारी नंबर 7 पे है मॉडल कॉम्बैक। मॉडल कॉम्बैक एक अमेरिकन मार्शल आर्ट्स फैंटेसी फिल्म है जिसे डायरेक्ट की है साइमन मैकक्वायर ने। ये फिल्म बेस है वीडियो गेम सीरीज ऑफ मॉडल कॉम्बैक के ऊपर। तो तुम्हें पता है इस फिल्म को रिबूट किया गया है और ये 3rd इंस्टॉलमेंट है मॉडल कॉम्बैक फिल्म सीरीज की। ये फिल्म फॉलो करती है मार्शल आर्ट्स फाइटर को जो अनअवेयर है सब जीरो के बारे में। फिर हमारा प्रोटैगोनिस्ट आगे जाके वो अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए और वर्ल्ड को बचाने के लिए सब जीरो का सामना करता है। चाहे मेरे कितने भी योद्धा मारे जाएं, हम हार नहीं मानेंगे। मार डालो इन्हें। मैं हूँ सब जीरो। हमारी नेक्स्ट फिल्म है जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग। दुनिया के खत्म होने की मेरे आका, इस दुनिया का अंत निश्चित है। मुझे तुम्हारी जरूरत है एक टीम बनाने के लिए जो दुनिया को बचा सके। जैक स्नाइडर्स रेफर करती है स्नाइडर कट को, जो कि एक अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है। ये डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की 5th फिल्म है जो कि बेस है टीम ऑफ जस्टिस लीग के ऊपर। फिल्म फॉलो करती है बैटमैन, वंडर वुमन, साइबॉर्ग, एक्वामैन और सुपरमैन को, जो कि एक अलायंस फॉर्म करते हैं एक्स्ट्रा डायमेंशनल न्यू गॉड स्टीफन वुल्फ और उसकी आर्मी पैराडीमोन्स को रोकने के लिए। ये एक HBO मैक्स ओरिजिनल फिल्म है जो कि रिलीज की गई थी फैंस की डिमांड पे। पूरा यकीन है जब तक हम एक साथ हैं हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां इज्जत की कोई कीमत नहीं। तुम तो जानते ही हो।
हमारी नंबर 5 पे है टॉप गन मैवरिक। टॉप गन मैवरिक एक अमेरिकन एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट की है जोसेफ कोसिंस्की ने। ये फिल्म एक सीक्वल है 1986 फिल्म टॉप गन की, जिसकी लीड कास्ट में है टॉम क्रूज एज अ मैवरिक। ये स्टोरी इन्वॉल्व करती है मैवरिक को, जो कि अपने पास को कंफर्ट करना चाहता है एक यंगर ग्रुप टॉप गन ग्रेजुएट्स को ट्रेन करके। टॉप गन मैवरिक प्रीमियर्ड हुई थी अप्रैल 2020 की सिनेमा कॉन। ये फिल्म थियोरेटिकली रिलीज की गई थी पैरामाउंट पिक्चर्स की तरफ से मई 22 में। हमारी नंबर 4 पे है मिशन इम्पॉसिबल फॉल आउट। किस तरफ फ्रेंजी? अब बिल्कुल सीधे चलो। सीधे सीधे सीधे। अब राइट मुड़ जाओ। अभी? हाँ हाँ राइट मुड़ो। पक्का? मैं कह रहा हूँ। नहीं लेफ्ट लेफ्ट। सॉरी मैंने ये उल्टा पकड़ा हुआ था। आप किसका इंतजार कर रहे हो? मुझे खिड़की से नीचे कूदना है। ओह सॉरी। गुड लक। मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट एक अमेरिकन एक्शन एडवेंचर फिल्म है जिसके राइटर और डायरेक्टर है क्रिस्टोफर मैकवायर। ये फिल्म एक सीक्वल है मिशन इम्पॉसिबल रोग नेशन की और 6 इंस्टॉलमेंट है मिशन इम्पॉसिबल फिल्म सीरीज की। मोटा मोटा कहानी को देखने जाए तो ये फिल्म सेट है 2 years आफ्टर द इवेंट ऑफ रोग नेशन। फिल्म फॉलो करती है इम्पॉसिबल मिशन फोर्स एजेंट इथन हैंक और उसकी टीम को, जो कि बहुत एफर्ट करते हैं एक न्यूक्लियर अटैक को रोकने के लिए। मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट प्रीमियर हुई थी पेरिस में जुलाई 2018 में और जुलाई 27 को थियोरेटिकल रिलीज हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में। खेल शुरू। हमारी नंबर 3 पे है अ क्वाइट प्लेस पार्ट 2। पता नहीं तुम इतनी दूर क्यों आए, अब कुछ भी नहीं बचा है। A Quiet Place Part 2 एक पोस्ट अपोकैलिप्टिक हॉरर फिल्म है जिसके राइटर और डायरेक्टर है जॉन क्रासिंस्की। ये फिल्म एक सीक्वल है A Quiet Place Part 1 2018 की, जो कि फॉलो करती है एक फैमिली को। ये फैमिली सरवाइव करती है पोस्ट अपोकैलिप्टिक वर्ल्ड जो इनहिबिटेड है ब्लाइंड एलियंस से, जिनके पास अक्यूट सेंस ऑफ हियरिंग है। इनकी पहली फिल्म के बॉक्स ऑफिस के सक्सेस के बाद पैरामाउंट पिक्चर्स ने ये दूसरी फिल्म बनानी स्टार्ट की। बहुत से लोग मदद के लिए तड़प रहे हैं। तुम्हें कुछ नहीं पता है ना? मुझे पता है। जो लोग जिंदा बचे हैं वो बचाने लायक बिल्कुल नहीं है। हमारी नंबर 2 पे है फ्री गाय। हाय गाय, क्या कर रहे हो? तुम खिलाड़ी नहीं हो बे? शायद अब से मैं हूं। वो आराम कर रहा है हमेशा के लिए। ये भाई साहब तो चल बसे। ओ माय गॉड, जोर का झटका जोर से लगा, इसी को कहते हैं क्या? फ्री गाय एक अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है शॉन लेवी। फिल्म के मेन कास्ट है रायन रेनॉल्ड्स। फिल्म का प्लॉट फॉलो करता है एक फ्री सिटी को, जो कि एक मैसिवली मल्टीप्लेयर ऑनलाइन रोल प्लेइंग वीडियो गेम है जिसके डेवलपर है सुनामी वीडियोस। गेम के एक एनपीसी कैरेक्टर में इंक्लूड हो जाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फिर वो कैरेक्टर कतई हराम ही हो जाता है हमारे जैसा। It's 2 o'clock. Oh! I'm not gonna be the good guy. I'm gonna be the great guy. Well, enjoy your lifetime supply of virginity. Off you go. हमारी नंबर 1 पे है जंगल क्रूज। जंगल में अजीब जानवर मिलेंगे, पिकनिक स्पॉट नहीं। मैं यहाँ पिकनिक मनाने नहीं आई हूँ। दास्तान के मुताबिक एक पेड़ है जिसमें हर मर्ज का इलाज करने की शक्ति है। वो विज्ञान में क्रांति ले आएगा। और उसे ढूंढने के लिए तुम्हें किसी की मदद चाहिए। ये हम चले। जोर से इसे मारो तो शायद चलने लगे। मेरे अलावा मेरे इंजन को कोई छू नहीं सकता। तुमने सुना नहीं मैंने क्या? शुरू हो गया ना।
जंगल क्रूज एक अमेरिकन फैंटेसी एडवेंचर फिल्म है। ये फिल्म बेस है एक थीम पार्क अट्रैक्शन के ऊपर और इसे प्रोड्यूस की है वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स ने। स्टार कास्ट में है ड्वेन जॉनसन एंड एमिली ब्लंट। ये फिल्म फॉलो करती है एक अल्टरनेटिव हिस्ट्री के कैप्टन को जो कि एक साइंटिस्ट और उसके भाई को लेके जाता है एक जंगल में ट्री ऑफ लाइफ को ढूंढने के लिए। हेलो जी, टॉर्पीडो। बाप रे, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेल मी विच इज योर फेवरेट मूवी एंड आई नो दैट यू हैव मेनी सजेशन सो टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन।